स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, चाय व्यापार जिसके बारे में लगातार हमने आपको बहुत सारी जानकारी देने की चेष्टा की है, रिपीट एंड रिपीट किसी विषय पर बात करने की कोई बात नहीं है, मगर जब कोई सवाल उठता है या फिर कोई नया व्यक्ति आता है, जब वो फ्रेश वीडियो देखता है और उसमें उसको अपनी जानकारी मिल जाती है, तो बस वही एक नया वीडियो सेम कंटेंट के साथ काम आता है। मगर जो पुराने सब्सक्राइबर है, उनको लगता है कि बार बार सेम कंटेंट आता है। क्या इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि एजुकेशन की जहाँ तक बात है, तो बात तो वही है कि चाय में ग्रेड कैसे हैं, कितने हैं, उनके नाम क्या है, चाय की टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें, सारी प्रक्रियाएं देखने के एतबार से, सीखने के एतबार से, ख़ासतौर पे देखने के एतबार से तो सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं। लेकिन बार बार जब वीडियो आते हैं तो उसमें अनुभव होता है, एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस होता है। तो अगर आप कहीं ब्लेंडिंग का कोई वीडियो देख रहे हैं, या टेस्टिंग का कोई वीडियो देख रहे हैं, या ग्रेड के बारे में किसी जानकारी का वीडियो देख रहे हैं, तो ये बातें आपके लिए शायद सेम ही होगी, कोई ज़्यादा अंतर इसमें होगा नहीं। लेकिन एक चीज़ जो होगी वो होगी कि इंसान अपने अनुभव के हिसाब से जो शब्दों का प्रयोग करता है, इसमें निश्चित ही एक नए व्यक्ति का रिपीट देखने में भी फ़ायदा होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर बार बार अपनी टिप्पणी करता है या अपना विचार रखता है, तो उसके वो अपडेट अनुभव के हिसाब से होता है, अपडेटेड एक्सपीरियंस के हिसाब से होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कोई वीडियो आता है, तो एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से ये देखने की कोशिश करें वीडियो के अंदर कि ज़रूर इसमें एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई अपडेट जानकारी हो, और यही होता है अक्सर। तो पहली बात तो ये हो गई है। दूसरी जो चीज़ है, जो जिस टॉपिक पे मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूँ, देखिए, बेचना, मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को बेचने के पहले आपको इस चीज़ की जानकारी होना ज़रूरी है कि चीज़ें बनती कैसे। जब आप जान जाते हैं कि चीज़ें बनती कैसे, तो बेचने का काम तो फिर भी बहुत आसान होता है। अब मैं ये किस व्यक्ति को सामने रख के बात कर रहा हूँ, एक्टिव पर्सन को, जो बाज़ार में बिल्कुल शर्म नहीं रखता है किसी चीज़ को सेल करने के लिए, या किसी ऐसे टॉपिक के लिए, उसके लिए कोई शर्म की या कोई नई बात, झिझक वाली बात नहीं है, बिल्कुल एक्टिव बंदा है। तो उसके लिए सबसे पहली बात है, चाय बेचने से पहले चाय को बनाना सीखना, चाय को समझना। और इस प्रयास में जितने लोग लगे रहते हैं, वो अपडेटेड रहते हैं हमेशा। तो हम कोशिश करेंगे आपको लगातार अपडेट रखने की, लगातार जानकारी देने की, लगातार चाय से जुड़ी बहुत सारी बातों की। लेकिन इसके साथ साथ एक जानकारी और है जो हमेशा आपको दी जा सकती है, कि एवरी मंथ चाय के जो प्राइस नीचे ऊपर होते हैं, किस वजह से क्या मार्केट में फ़र्क पड़ता है। जैसे मैं अभी कहूँ कि चाय महंगी होने वाली है, आप बोलेंगे कि यार भैया, ये जो ज्योतिषी बाबा कहाँ से ये बात लेकर आ रहे हैं, जो आगे 15 दिन और 20 दिन की बात हो रही कि चाय महंगी होने वाली है। या मैं कहूँ चाय सस्ती होने वाली है, तब भी आप बोलेंगे कि किस आधार पर कह। मैं कहूँगा कि मैंने जो कहा पहले चाय महंगी होने वाली है, उसका मतलब ये है कि अभी बारिश का जो नॉर्थ ईस्ट में जो बारिश होती है चाय के एरिया के अंदर, तो वहाँ बारिश अभी स्टार्ट नहीं हुई है, या फिर और 15-20 दिन हवामान खाता का जो अनुमान है उस हिसाब से और 15-20 दिन नहीं होगी, तो इस सूरत में चाय क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जहाँ चाय के बागान हैं, वहाँ पर बारिश बहुत अच्छी स्टार्ट हो चुकी है पहले से, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि चाय के दाम नीचे आएंगे। यानी मौसम का जो स्टार्ट हिसाब है, अगर वो कहीं भी उसका बैलेंस, उसका संतुलन इधर उधर हो जाता है, तो चाय के दाम पर उसका सीधा फ़र्क पड़ता है।
तो आपको इस चीज़ को समझना और सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक मंझे हुए ट्रेडर बनना चाहते हैं, व्यापारी बनना चाहते हैं, तो आपको मौसम पर नज़र रखना चाहिए। आपको जो अपडेटेड न्यूज़ होती है बिज़नेस से, व्यापार से रिलेटेड, उससे आपको जुड़े रहना चाहिए। गवर्नमेंट की जो नई नई जानकारी आती है बिज़नेस से रिलेटेड, नए नए अध्यादेश आते हैं, नई नई जो भी चीज़ें आती है, आपको उससे जुड़े रहने के लिए लगातार एक्टिवेट रहना पड़ता है। उसके लिए आपको हमेशा मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमको दिशा दे कि चाय महंगी कब होगी, चाय सस्ती कब होगी। अगर मेरा चैनल आपको बता रहा है कि अभी भैया बारिश नहीं हुई है और हवामान खाता ये बता रहा है कि और 15-20 दिन बारिश नहीं होगी, तो आपको समझ जाना चाहिए कि चाय के दाम महंगे जाने वाले हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की बारिश के बारे में आपको कहाँ से पता लगेगा, तो आप आज के तारीख में गूगल में देख सकते हैं। हाँ, वेदर ब्रॉडकास्ट उसमें होता ही है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि भैया अगले 5-6 दिन अगर चाय नहीं हो रही तो चाय के दाम थोड़े से बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो चाय का जो एरिया होता है, ये चाय की जो पौधा होता है, इसको पानी बहुत चाहिए होता है, और कुदरती पानी मिल जाए तो सोने पे सुहागा कि इलेक्ट्रिक बच जाती है, दूसरे साधन बच जाते हैं, आदमी बच जाता है, खर्चे बच जाते हैं। इसके वजह से चाय में लगने वाले जो एक्सपीरियंस है वो कम हो जाते हैं, कुदरती पानी मिलता है, बहुत सारी। इतनी तो समझने लॉजिकली बात है, इतनी बात तो कोई भी समझ सकता है। चलिए ठीक है, ये एक ट्रायल वीडियो था, प्रोफेशनल वीडियो आपके लिए तैयार है, जैसा हमने आपसे वादा किया था। अभी मैं जस्ट ऑफिस पर आके कुछ सैंपल टेस्ट कर रहा था, तो मेरे दिल में बात आई कि मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ, तो ये 6-7 मिनट आपके लिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोफेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।